हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को रियलमी C30 में कीबोर्ड में आपको थीम लगा के दिखाने वाला हूँ। जैसे एक कीबोर्ड खुल रहा है और इस कीबोर्ड में आपको मैं यूनिक बनाने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन खोज लीजिए जहाँ पर आपको कीबोर्ड खुलता हो। तो मैं मैसेज में ही खोल लेता हूँ और यहाँ पर कीबोर्ड खुल गया। कीबोर्ड में आगे देखिए सेटिंग मिलता है, इस पर जाना है एंड यहाँ पर थीम पर ऑप्शन लेना है। एंड आपको क्या करना है, प्लस माई थीम प्लस है, इसमें करना है। अब गैलरी से फ़ोटो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट इमेज मेरा है, मैं इसको यहाँ से ले लूँगा एंड यहाँ से नेक्स्ट कर लूँगा और यहाँ पर अप्लाई कर लूँगा एंड बैक करूँगा। तो हमारा जो है कीबोर्ड में देखिए इमेज मेरा लग गया है। अगर इसी तरह से आपको इसे बंद करना है तो फिर से वापस सेटिंग पर खींच लीजिए, थीम पर जाइए एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर कर दीजिए एंड आप हमारा जो है कि कीबोर्ड वापस नॉर्मल हो जाएगा। अभी हमारा सेव नहीं हुआ था, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, अभी हमारा नॉर्मल हो गया है, कीबोर्ड हमारा नॉर्मल हो गया। यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं इसकी डिज़ाइन बदलना है तो वापस हम करेंगे सेटिंग पर एंड टेक्स्ट करेक्शन। इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर डिस्प्ले एंड फॉन्ट साइज में जाना है। आप फॉन्ट की साइज को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे लिखेंगे सारा फॉन्ट बड़ा बड़ा दिखेगा और यहाँ पर फिर से वापस हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।